सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारी कैंप पे आए, वेलकम। आज के दिन के हवाले से ये मेडिकल कैंप पीपल्स डॉक्टर्स फोरम कराची डिवीज़न की तरफ से इसका बंदोबस्त किया गया है, इनकाद किया गया है, जिसमें हम कोविड को SOPs को फॉलो करते हुए तमाम लोगों में सैनिटाइज़र्स और तमाम लोगों में मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और फर्स्ट एड की अवेलेबिलिटी है हमारे पास। एम्बुलेंस की सहूलतें, खुदा न खास्ता कोई इस किस्म की कोई नागानी सूरत हाल हो जाती है, किसी को शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तब भी हम उसको अरेंज कर देंगे और प्रॉपर प्लेस पे पहुंच जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये 18 अक्टूबर जब हुआ था उस टाइम पे भी पीपल्स डॉक्टर्स फोरम ने दो कैंप्स लगाई थी, एक एयरपोर्ट के सामने जिस जगह पे मोहतरमा शहीद रानी रुक के डॉक्टर्स बरदरी की को अप्रिशिएट किया था, और उसके बाद जो दूसरी कैंप थी वो अवामी मरकज़ के पास थी, जिन लोगों जिसमें हमारे सामने ये शहीद हुए थे लोग, और हमसे जितनी भी डॉक्टर्स बरदरी से पीपल्स डॉक्टर्स फोरम के लोगों ने जितनी खिदमत की थी उस टाइम पे वो खराज तहसीन है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला हम पार्टी के हर हुक्म को लबे कहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक्चुअली जो PDF कैंप है, PDF मींस के पीपल्स डॉक्टर फोरम, ठीक है, तो ये मेडिकल कैंप लगा है, फ्री मेडिकल कैंप है जिसमें हम लोगों ने मास्क रखे हुए हैं, फ्री मास्क हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, और जो है कि मतलब अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं हम लोगों को। जाहिर सी बात है ये जलसा है, आप लोग देख रहे हैं कि जलसे में क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो कोरोना की लेयर तो कम हो गई है, इट डजंट मीन कि कोरोना ख़त्म हो गया है, तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं लोगों के लिए कि भाई आप SOPs का भी ख्याल रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें अपने अपने, और जो है कि कोशिश कर रहे हैं कि हमने फ़र्स्ट एड किट भी रखी हुई है यहाँ पर। मैं डॉक्टर फजीला खान, पीपल्स डॉक्टर फोरम की जानिब से हमने मेडिकल कैंप अरेंज किया है यहाँ पर, ताकि जलसे में जो भी लोग आएंगे हम उनका SOP का ख़ास ख्याल रखेंगे। हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फर्स्ट एड और एम्बुलेंस की फैसिलिटेशन भी इनके पास हैं, ताकि अल्लाह ना करे अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए हम फर्स्ट एड फराहम कर सकें। ये आज जो हमारा ये इवेंट है ये उन दोस्तों के लिए है जो शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए थे 18 अक्टूबर को, और ये फ्री क्वान्टिटी एक पीपल्स डॉक्टर फोरम की रवायत रही है जब से बेबी से लेके कि हम हर तरफ से मेडिकल कैंप्स में पढ़ रहे हैं। ये जो हमने आज कैंप लगाई है उसमें हमारे स्पेशल डॉक्टर्स हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, फिजिशन हैं, सर्जन्स हैं, सब इस कैंप्स में हैं, और हमने एम्बुलेंस भी अरेंज किए हुए है। अल्लाह न करे को ना खुशगवार वाक़ा आया तो जो अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट है हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं करेंगे। हमारा मेडिकल कैंप जो है ये SOPs के ख्याल की वजह से हमने सबसे ज़्यादा जो इसमें हमारा अरेंजमेंट है वो है मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और सैनिटाइज़ करना लोगों को, ताकि जो है कोविड की मजीद जो है ना फैलाव को रोका जा सके। आज ये जो कैंप लगाई गई है ये स्थानीय कारसाज के मौके पे जो भी लोग पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए लगाई गई है। आज का जो हमारा मेडिकल कैंप है और इसमें ये हमारे शोदाए कारसाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने बिलावल साहब के आज के जलसे में ये मेडिकल कैंप कायम किया है। 3 अक्टूबर के हवाले से जो ये इतना बड़ा पाकिस्तान में जमहूरी हवाले से इतना बड़ा ये इंसिडेंट हुआ है तमाम शहदा, तो इस हवाले से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने हैं आज ये तकरीब मुनक़द की है। सानिए कारसाज के हवाले से शहदा को सलाम पेश करने के लिए, सुरख सलाम पेश करने के लिए। लेकिन आज का दिन हमारे पीपल्स पार्टी के वर्करों के लिए, जालों के लिए बहुत ही अहम है, और हम हर साल इसको मनाते हैं कि पीपल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में जो इतनी कुर्बानियाँ उनके जाले देते हैं उसके बाद भी पीछे नहीं हटते। डॉक्टर्स फोरम की तरफ से अपने सारे तीनों डिस्ट्रिक्ट गोट की सखर और खैरपुर की नुमाइंदगी करने आया हूँ। साना कारसाज एक वो अजीम साना था जिसमें हमारे कई लोग, कई साथी, मोहतरमा बेनज़ीर की जब आमद हुई तो हम खुद थे यहाँ पर, हमने कैंप लगाई थी एयरपोर्ट पर। मैं हूँ डॉक्टर सुमित, PDF का डिस्ट्रिक्ट साउथ का वाइस प्रेजिडेंट हूँ। हम यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, PDF की तरफ से हमारे चेयरमैन साहब का हुक्म था, और यहाँ पर हम शहीदों का डे मना रहे हैं। यहाँ पे जो हम दिन मना रहे हैं कि 18 अक्टूबर को जो यौम-ए-शोहदा जो दिन मनाया जा रहा है।